प्रधानमंत्री ने सबका काम रिव्यू किया। हाँ, प्रधानमंत्री ने उसके बाद तय किया कि किसको रखना है, किसको निकालना है, किसको प्रमोशन देना है। दो चीजें हो सकती है, या तो आप पार्टी के काम के लिए अपने अच्छे मंत्रियों की आहुति दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने अच्छा काम किया है, जो कि सही नहीं दिखाई देता है। दूसरी तरफ अगर उनका काम अच्छा था, अगर आप उनके काम की बड़ाई से शुरू कर रहे हैं सर, तो करने देते ना अभी, तो सेकेंड वेव है, थर्ड वेव की आशंका है। सोचिए ना, ट्विटर के अधिकारी वहां हंस रहे होंगे कि यहां दो दो हाथ उनके साथ कर रहे थे और यहां तो उनकी छुट्टी हो गई। देखिए, क्योंकि एक लाइन कही कांग्रेस की प्रवक्ता ने, तो एक लाइन से पहले मैं भी उत्तर दे दूं। एक गाना है ना अंजना जी, चार बज गए पार्टी अभी बाकी है, तो उसी को थोड़ा सा संशोधित कर दे कांग्रेस के लिए। अंजना जी, चार ही बज गए पार्टी अभी बाकी है, और बीजेपी कह रही है 300 हो गए, ये तो अभी झांकी है। इसीलिए इनको ईर्ष्या होती है, जलन होती है। और एक एक करके मैं उत्तर दे दूं। सबसे पहले इन्होंने कहा कि बदलाव किया है, इसका मतलब ये मंत्री योग्य नहीं थे। और नींव क्या होती है, नींव की बात करी। हाँ। तो देखिए, अब ये सुनिएगा बड़े ध्यान से। यूपीए वन में होम मिनिस्ट्री में शिवराज पाटिल जी, याद करिए किस तरह से 26/11 का दुर्भाग्यपूर्ण एक हमला हुआ मुंबई का, और उसके बाद वो सूट बूट पहन के आ गए थे, और वहां पे बदलाव हुआ, पी चिदम्बरम आए 2009 और 14 में। यूपीए 2 में पी चिदम्बरम को बदल के सुशील कुमार शिंदे आए, ये तो गृह मंत्रालय। उसके बाद वित्त मंत्रालय पे आते हैं, पी चिदम्बरम थे, बदल के प्रणब मुखर्जी आए, और यूपीए 2 में प्रणब मुखर्जी को बदल के फिर से पी चिदम्बरम आ गए। एक्सटर्नल अफेयर, नटवर सिंह थे, नटवर सिंह को बदल के मनमोहन सिंह जी ने अपने पास रखा ये, और उसके बाद प्रणब मुखर्जी, और यूपीए 2 में एस एल कृष्णा और सलमान खुर्शीद, और डिफेंस में प्रणब दास से एके एंटनी आ गए। इसमें मेरे सवाल का जवाब कहां है सर? मैं उसी का उत्तर दे रहा हूं। मैं ढूंढो तो जाने वाले प्रक्रिया में चली गई थी कि मैं ढूंढूं, आपके सवाल का जवाब ही दूंगा मैं। मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना सर, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। कौन सी जादू की छड़ी है मंडाविया साहब के सामने जो डॉक्टर पहले उनके सवाल का भी तो उत्तर देना मेरा ही कर्तव्य है। नहीं सर, फ्लैशबैक में तो रोज ही जाते हैं सर हम लोग, अभी भी मनमोहन सिंह सरकार के ही एक एक काम और एक एक उनके मंत्री की पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी हम लोग को रट गई है। मुझे ये बताइए ना सर कि मनसुख मंडाविया के पास कौन सी जादू की छड़ी है जो डॉक्टर हर्षवर्धन नहीं निकाल पा रहे थे। अंजना जी, मैं फिर से एक बात बिल्कुल स्पष्ट करूं कि कोई मंत्री अगर हटता है मंत्री परिषद से और उसको संगठन की जिम्मेदारी दी जाती है, या इस बार एक मंत्री हमारे थावरचंद गहलोत जी थे जिनको गवर्नर बनाया गया, इसका ये निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि उनके मंत्रालय चलाने में कोई कमी रह गई थी। बल्कि मैं ये कहूंगा कि जो पार्टी सरकार बनाती है उसकी एक ही उद्देश्य और एक ही लक्ष्य होता है कि कैसे वो संगठन को मजबूत करे, और वही संगठन रात दिन काम करके, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने कोविड समय में भी किया, सरकार को भी मजबूती दे और सरकार जनता की सेवा करे। हमारी टीम के कैप्टन नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका हक है कि वो अपनी टीम को चुने और नई जिम्मेदारी हर नेता को दे। इसमें ये अर्थ निकाल लेना कि उसकी योग्यता में कमी थी जिन मंत्रियों को हटाया गया, ये उचित नहीं होगा। और मैं एक बात और कहूंगा अगर आप इजाजत दे तो। बोलिए बोलिए। देखिए, एक युवा मंत्रिमंडल बनाया गया है, इससे तो कोई इंकार नहीं कर सकता है। मुझे याद आ रहा है जून 2013 में सीसराम ओला, कांग्रेस के मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, उम्र थी 85 साल, जिनका हिल गया था पुर्जा उनमें मनमोहन सिंह जी ढूंढ रहे थे ऊर्जा, ये हाल था। कम से कम ये तो आप मानेंगे कि नए विचार, युवा, महिला, इस शक्ति के साथ हम एक नए मंत्रिमंडल के भाव से सेवा करेंगे जनता की, और ये तो एक सकारात्मक कदम है। इनको क्यों मिर्ची लग रही है? और एक बात और कहूंगा रविशंकर प्रसाद जी की भी, आपको मालूम है इंटरमीडिएरी रूल्स लाना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जिससे कि 1,20,000 करोड़ रुपए बचा है, ये रविशंकर प्रसाद जी की जो आधार की, जनधन अकाउंट की और मोबाइल की ट्रिनिटी थी उसने किया है। मैं आपको हर मंत्री की उपलब्धियां बता सकता हूं, लेकिन
अगर प्रधानमंत्री जी को लगता है कि नए चेहरों की आवश्यकता है, नई ऊर्जा नई सोच के साथ बदलाव की आवश्यकता है, अंत में जनता का हित सर्वोपरि है हमारे लिए और उसी लक्ष्य से ये निर्णय। तो जनता का हित नहीं देख पा रहे थे रविशंकर प्रसाद और डॉक्टर हर्षवर्धन पोखरियाल साहब? उनको नई भूमिका मिलेगी, आप इंतजार करिए देखिए। नहीं सर, अभी कंफ्यूजन दूर नहीं हुआ है। सुप्रिया जी थोड़ा सा रुक जाइएगा, मैं कंफ्यूज हूँ सर, मेरी ऑडियंस भी कंफ्यूज होगी। एक बार और थोड़ा सा क्लैरिटी दीजिए, रिपोर्ट कार्ड पीएम ने देखा कि नहीं देखा? रिपोर्ट बना कि नहीं बना सबका? क्या वो खरे नहीं उतरे प्रधानमंत्री के जो उम्मीदें थी उस पर? और अगर वो खरे उतरे तो फिर आप उनको बाहर क्यों कर रहे हैं? और अगर आप कह रहे हैं कि वो अच्छे थे यहाँ भी और अच्छा काम पार्टी में करेंगे, तो आप अच्छे मंत्रियों की आहुति दे रहे हैं क्या? उत्तर दूं इसको सर डायरेक्टली, थोड़ा सा नेहरू और मनमोहन सिंह में जाए बिना जरा समझाइए। मैं डायरेक्टली कोशिश करता हूँ आपको समझाने की, ठीक है? देखिए, तर्क अगर आप समझे और आपको तो जानकारी रहती है क्या कहा गया कि स्वास्थ्य मंत्रालय में हर्षवर्धन जी ने अच्छा काम नहीं किया, यही कहा गया ना, इसलिए उनको बदला गया। तो मैं केवल ये पूछूंगा कि सबसे ज्यादा बदहाल कोविड के समय में अंजना जी किस प्रदेश का है? मैं आपको आज का आंकड़ा दूं, 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में 116 मामले हैं, महाराष्ट्र में करीब करीब 10,000 मामले हैं। इस लिहाज से तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के जितने मंत्री हैं उनको या तो इस्तीफा दे देना चाहिए, गौरव जी टेक थ्री, ऐसा हुआ नहीं। गौरव जी टेक थ्री, टेक थ्री, टेक थ्री है सवाल पूछने का, टेक थ्री शायद इस बार सही जवाब मिल जाए। टेक आप जितने भी लें उत्तर वही रहेगा, वही घुमाइएगा, वही मिला है ना आज। राहुल गांधी समझा है क्या आपने? टेक बार बार आप लेती रहेंगी, उत्तर वही रहेगा अंजना जी।